हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसको कवर करने वाले भाई वीडियो कंप्लीट देखना। अब देखो, ये जो मैच है ना, ये टेस्ट मैच है ना, कि ये T20 मैच है और ना ये 50 ओवर का मैच है। तो टेस्ट मैच में आपकी जो टीम सिलेक्शन की अप्रोच रहेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। मतलब कितने बल्लेबाज आप लोग लेके चल सकते हो, कितने आपको ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, या फिर आप लोग बॉलिंग सेक्शन से कितने प्लेयर्स को लेकर चल सकते हो। यहाँ पे देखो, 5 दिन जो रहेगा वो टेस्ट मैच चलेगा, तो फास्ट गेंदबाजी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पिन गेंदबाजी इंपॉर्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू पिच, यानी कि जिस प्रकार का विकेट रहेगा वो फास्ट को ज्यादा हेल्प करेगा, स्पिन को ज्यादा हेल्प करेगा, उस हिसाब से आप लोग किसके साथ में टीम में जा सकते हो। सेफ ऑप्शंस के साथ साथ आज के मैच के आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस कौन से प्लेयर बन सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में कवर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है। फिर से बता दूं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि M.H. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के वेन्यू पर खेला जाएगा, मतलब भारत के वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा। तो कब कौन से प्लेयर्स को रखना है वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। तो एक एक चीज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए टेस्ट मैच की, किस हिसाब से चलोगे वो सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, बस आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना भाई, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियो आपको मिस नहीं करने। वीडियो पसंद आई, वीडियो में बताएगी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और ये वीडियो देखो, मैं बिना फेस कैम के कवर कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा भाई इमरजेंसी थी उस वजह से मैं ये फेस कैम वीडियो कवर नहीं कर पाया, बट मैं ये मैच आपके लिए कवर कर रहा हूं और आपको सेम चीजें दिखेंगी, उनमें आपको कोई यहां पे कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो पे भी अपना प्यार और समर्थन थोड़ा सा बनाए रखिएगा। बाकी टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर टॉप में एक पिंड कमेंट है, लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन करना। क्योंकि टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स होती है, फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट कोई भी चेंज करता है, या फिर जो भी फाइनल टीम रहेगी आफ्टर टॉस, आपको टेलीग्राम पर भी जरूर अपडेट करूंगा। तो जुड़ जाना भाइयों टेलीग्राम चैनल के साथ में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको सबसे ऊपर पिंड कमेंट मिल जाएगा, वहां पर लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब यहां से देखो, सीधा सीधा मैच की बात करेंगे, पहले एक बार स्टैट्स के ऊपर चलेंगे, मतलब विकेट देखेंगे किस प्रकार का हो सकता है भाई, और उसके बाद में फिर फाइनली आएंगे टीम सिलेक्शन पे। तो सबसे पहले यहां से दोस्तों मैं बात करूंगा वेन्यू की, वेन्यू की बात करें M.H. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा, मतलब इंडिया के विकेट पर यह मैच है, ठीक है। विकेट की बात करें, एक बैटिंग सर्फेस है, लेकिन आप लोग सिर्फ बैटिंग सर्फेस मान के मत चलना, मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट डे आपको अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले, इवन सेकंड डे भी आपको अच्छी बल्लेबाजी दिख सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे आएंगे ना भाई, बल्लेबाजी थोड़ा डिफिकल्ट बनेगी और वहां पे मेनली जो स्पिन गेंदबाजी रहेगी वो गेम में वापसी करते हुए आपको जरूर से दिखेगी। तो पहले और दूसरे दिन जितने रन बनेंगे वो मैक्सिमम हो सकते हैं यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई टॉस जीत के कौन सी टीम यहां पे पहले बल्लेबाजी करने उतर रही है, ठीक है। अभी यहां से बात करें बैटिंग सर्फेस, टोटली तो मत मानिए, ये मैं आपको सजेस्ट करके चल रहा हूं, गुड विकेट रहेगा स्पिनर्स के लिए, मतलब स्पिनर्स के लिए अच्छा विकेट है। अब देखो, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो मैंने इस वेन्यू पर मैच चेक करे, ठीक है, रिसेंट जो मैचेज मैंने चेक करे उनमें भाई देखो, लास्ट मैच इस वेन्यू पर खेला गया था 2021 में, जो खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में। अब वहां पे क्या हुआ था, रोहित शर्मा ने उस मैच में 161 के समथिंग कुछ रन की पारी खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते जब इंडिया की टीम ने करी। उसके अलावा अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं ना, तो वहां पे मेनली जो स्पिन गेंदबाजी थी भाई, वो देखो यहां पे ज्यादा डोमिनेट करके चली थी उस मैच में फास्ट बॉलर्स के कंपेरिजन में, क्योंकि वहां पर चाहे बात हो रविचंद्रन अश्विन की, रविंद्र जडेजा की बात हो, अक्षर पटेल की बात हो, जैक लीच की बात हो, मोइन अली की बात हो, सभी ने अच्छे खासे विकेट निकाले थे और फास्ट गेंदबाजी वहां पर उतना अच्छा नहीं कर पाई थी। तो एक चीज तो मान के चलिए, स्पिन का रोल इस मैच में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और जो मेन स्पिन गेंदबाज रहेंगे भाई, आप लोग अपनी टीम में जरूर बैक करके चलोगे, ठीक है। कौन से रहेंगे टीम सेक्शन के टाइम बता दूंगा, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेनी कंडीशन से बारिश के चांस है, बट 5 दिन टेस्ट मैच चलता है, अब देखो बारिश किसी भी दिन आ सकती है, वो एक अलग चीज रहेगी, ठीक है। 416 के आसपास यहाँ का एवरेज स्कोर है, लेकिन देखो यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 416 मान के चलिए, मेरे हिसाब से 350 आप लोग एक एवरेज स्कोर मान के चलो। कोई भी टीम फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही इस मैच में, कम से कम 350 के साथ में स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये तो मान के चलिए, इससे कम स्कोर रहेगा ना, तो फिर शायद वो दे टीम इस टेस्ट मैच को ना बचा पाए, ठीक है। अगर बात करें एवरेज यहाँ पे विकेट्स की, पिछले 5 टेस्ट में टोटल 157 विकेट गिरे, 43 फास्ट बॉलर्स ने लिए, 114 स्पिन गेंदबाजी ने। ध्यान से देख सकते हो, स्पिन गेंदबाजी डोमिनेट करके चलेगी, और ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। एक आपको ऐसा गेंदबाज दिखेगा बांग्लादेश की टीम में जिसका सिलेक्शन मेनली आपको काफी कम दिख सकता है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज और वो विकेट टेकिंग गेंदबाज इंडियन टीम के बल्लेबाजों के सामने हो सकता है, क्योंकि इंडिया की टीम में मेनली राइट हैंडेड बल्लेबाज आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो विकेट के बारे में सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, बाकी आपको चीजें ट्राई नहीं करनी है, एक एक चीज डीपली समझा दी भाई, इससे ज्यादा आपको कुछ ट्राई नहीं करना। अभी टीम सिलेक्शन पे आपको मैं लेके चलता हूं, सभी प्लेयर के स्टैट्स इनके साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपकी चीजें जो रहेंगी वो थोड़ा बेहतर क्लियर हो, बेहतर आपको थोड़ा समझ आ जाए और आप लोग खुद से अच्छा टीम सिलेक्शन भी कर पाओ, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में राहुल रहेंगे, लिटन दास है, ऋषभ पंत है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 3 प्लेयर, उसके बाद में एक प्लेयर आपको नीचे दिखेगा जाकिर हसन, ठीक है, इसके भी खेलने के हाई चांस है और ये शायद आपको फिर ओपन करता
बैठा हुआ दिख सकता है बांग्लादेश की टीम के लिए। बात करते दोस्तों केएल राहुल के साथ में, राहुल अच्छे प्लेयर है। इवन इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मैच में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी कर रहे आती है, तो डेफिनेटली राहुल आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस और टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए कहीं ना कहीं बन सकते हैं, ठीक है। लिटन दास की बात करें, थोड़ा नीचे बल्लेबाजी रहेगी ये ध्यान में रखिए। नॉर्मली अगर यहीं पर T20 या फिर ODI मैच होता तो शायद लिटन दास आपको ऊपर बल्लेबाजी करते हुए दिखते, लेकिन टेस्ट मैच है तो शायद ये थोड़ा नीचे जाएंगे बल्लेबाजी में। ले सकते हो, आप पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेस्ट मैच है, ओवर का तो उतना कुछ खास सीन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ऋषभ पंत का सिलेक्शन फिलहाल 36% है, लेकिन मेरी जो पहली डिफरेंट चॉइस रहेगी इस मैच की, यानी कि जो पहला ट्रंप प्लेयर रहेगा इस मैच का, वो रहेगा ऋषभ पंत, क्योंकि एक तो 36% सिलेक्शन है, दूसरा मिडल में बल्लेबाजी करेगा। टेस्ट मैच की बात करूँ, 33 टेस्ट के अंदर इनका जो एवरेज है वो 43 के आसपास है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पंत के बारे में, वो ये कि भैया भले ही टेस्ट मैच हो, लेकिन ये बंदा टेस्ट को भी ओडे या फिर T20 के हिसाब से आपको खेलता हुआ दिखेगा, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऋषभ पंत का, ठीक है। और ये सिर्फ ऋषभ पंत के काम नहीं आएगा, ये आप लोग अपनी टीम में लेके चल रहे हो आपके भी काम आ सकता है, इंडियन टीम के ये भी बहुत काम आ सकता है, क्योंकि एक बल्लेबाज जो अगर टेस्ट में थोड़ा फ्रीली खेल रहे ना, तो वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइड लेके चलेगा, ठीक है। तो पंत आपके लिए इस मैच की पहली डिफरेंट चॉइस, यानी कि ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेफली जाओगे, राहुल आपके लिए बेस्ट विकल्प है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हिसाब से जाओगे तो राहुल ही सबसे बेहतर ऑप्शन आपको दिखेंगे। 50 टेस्ट मैच में 2863 रन और इनका एवरेज लगभग आपको 34 के आसपास दिखेगा। अब सेफ जाओ तो राहुल को रख लो, डिफरेंट जाओ तो ऋषभ पंत मेरे हिसाब से। लिटन दास फिलहाल मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं, बाकी चॉइस आपके 36 का एवरेज है, 43 टेस्ट में 2655 रन है, लेना चाहो अपनी चॉइस रखना। सेफली जाओगे राहुल आ जाएंगे, ट्रंप में जाओगे तो पंत आपके पास में आ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन के अंदर चलूंगा, लेकिन एक प्लेयर और था नीचे, थोड़ा सा बता दूं, जाकिर हसन जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन भाई विकेट जाने के चांस बन सकते हैं। क्यों बन सकते, उसका रीजन है सबसे बड़ा सामने भैया गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत बुमराह, और भाई वो इनिशियली क्या कर सकते हैं जब गेंद थोड़ा सा स्विंग करेगा, आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं इनके विकेट जाने के थोड़े हाई चांस मुझे लग रहे हैं। सो इस वजह से फिलहाल मैं इनको टीम में ना तो बैक करूंगा, ना मैं भाई आपको प्रेफर करके चल रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अपनी GL यानी कि ग्रैंड लीग की टीम में लेना चाहो ले सकते हो, स्मॉल लीग में थोड़ा सा अवॉइड करके भी चल पाओगे। बैटिंग सेक्शन में रोहित इंपॉर्टेंट है, इनिशियली अच्छा स्टार्ट देके जाएंगे, थोड़ा सा तेज भी खेल सकते हैं, और इसी वेन्यू पर लास्ट टेस्ट में 161 की भी पारी खेली थी, और इंपॉर्टेंट चॉइस है, एज ए सेफ ऑप्शन आपकी टीम में जरूर आएंगे। कैप्टनसी इंडियन टीम के लिए भी करेंगे, और दुनिया इनको नॉर्मली वैसे भी कैप्टनसी की चॉइस पे लेके चलेगी, बट मेरा ये पर्सनली सजेशन है कि आप लोग सिर्फ एज ए नॉर्मल प्लेयर रखो, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी से थोड़ा सा दूर हटके, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करें, 59 टेस्ट मैच में 4137 रन और 45 यानी कि 45 के आसपास एवरेज है। विराट की बात करें दोस्तों, काफी बड़े प्लेयर है, लेकिन अगर चाहो तो रिस्क उठा सकते हो टीम से ड्रॉप करके, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। कोई ना कोई हाई सिलेक्शन प्लेयर भाई आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, चाहे आप लोग बैटिंग सेक्शन के करके चल लेना, चाहे आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से कर लेना, या फिर चाहे तो आप लोग बॉलिंग सेक्शन से कर सकते हो, चॉइस आपकी है। विराट की बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, सेकंड डाउन बल्लेबाजी कर सकते हैं, 113 मैच का एक्सपीरियंस है टेस्ट के अंदर, 2848 रन से ऑलमोस्ट 8,500 के आसपास, यानी कि 9,000 के आसपास आप लोग कह सकते हो, और 49 का एवरेज है। कितने बड़े प्लेयर है भाई वो आपको भी पता है, ठीक है। तो इनके बारे में उतना डिस्कशन नहीं करूंगा, बाकी इनमें से किसी एक प्लेयर को आप लोग इस मैच में ड्रॉप करके रिस्क जरूर उठा सकते हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में मुशफिकर रहीम, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज और टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया, इवन आपके लिए ट्रंप में काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप लोग इनके साथ में जाते हो, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन केवल 63% है, अभी भी थोड़ा कम। अगर ये सिलेक्शन 70-80% जाता तो मैं इनको सेफ बोलता, लेकिन मुशफिकर रहीम 63% में भी अभी मुझे डिफरेंट चॉइस दिख रहे हैं। 38 का एवरेज है और 90 मैच खेल चुके, 5,892 रन है, ठीक है। मिडल में बल्लेबाजी करेंगे ऑलमोस्ट थर्ड डाउन के आसपास, तो स्टार मार के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में मोमिनुल हक जो कि आएंगे सेकंड डाउन के थर्ड डाउन के आसपास, 63 मैच में 4143 रन है, 38 का एवरेज है, 10 विकेट भी इनके नाम है। गेंदबाजी कर सकते हैं बट उतना नहीं करेंगे, बीच में टीम अगर शायद 2-4-5-10 ओवर करवा ले वो एक अलग चीज़ है, बाकी रेगुलर गेंदबाजी तो नहीं करेंगे, ठीक है। जायसवाल मेरी पहली चॉइस रहेंगे, अब जायसवाल के साथ में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बता दूँ, जायसवाल देखो थोड़ा सा ना तेज रन भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपरली आपको टेस्ट मैच वाली इनिंग खेलते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है, और ये थोड़ा तेज खेलेंगे, और जब तेज खेलेंगे तो भाई आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में प्लेयर भी थोड़ा सा अंदर होते हैं, अगर मैं फील्डिंग की बात करूंगा तो वहां पे ये कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उठा के चल सकते हैं। तो जायसवाल के साथ में मैं श्योर बैक कर रहा हूं। इस केस में आप लोग देखो, या तो रोहित या फिर विराट या फिर यहां से भाई राहुल, तीनों में से कोई एक प्लेयर आज के मैच में ड्रॉप करके रिस्क उठा सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जायसवाल मेरी पहली चॉइस, इवन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप लोग चाहो तो अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसका सबसे बड़ा रीजन आपको देता हूं, इनकी फॉर्म
नौ मैच खेले अब तक टेस्ट मैच में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और 1028 रन से 68 का एवरेज है। 68 का एवरेज तो भाई विराट का भी नहीं है, सोच के देखो। ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे जायसवाल, इंपॉर्टेंट चॉइस है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में जरूर ट्राई करना, ठीक है। नजमुल हुसैन सेंटो जो कि सेकंड डाउन के वन डाउन के आसपास बल्लेबाजी करेंगे, 27 का एवरेज है, 29 मैच में 1539 रन है। मैं फिलहाल नहीं रखूंगा क्योंकि सामने रविचंद्रन अश्विन होंगे, सामने भाई रविंद्र जडेजा होंगे, सामने कुलदीप यादव होंगे। मेनली रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव, इनके सामने इनके विकेट जाने के थोड़े से हाई चांस बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गिल के साथ में आप लोग जा सकते हो, चॉइस आपकी है। सिलेक्शन केवल 13% है, कोई भी एक हाई सिलेक्शन प्लेयर ड्रॉप करके गिल को बैक कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि सिलेक्शन कम और गिल काफी अच्छे प्लेयर, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। 25 मैच में 1492 रन और 35 के आसपास एवरेज है। नहीं चाहेंगे महमूदुल हसन जोई, इनके मुझे उतने कोई चांस नहीं दिख रहे फिलहाल खेलने के। शदनाम इस्लाम जो कि आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे बांग्लादेश के लिए, 17 मैच में 633 रन से केवल 20 का एवरेज है। सेम केस बनेगा बुमराह जैसे गेंदबाज को स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा, और बुमराह किस क्वालिटी के गेंदबाज है वो आपको पता है। दूसरा, इनिशियली टेस्ट मैच में गेंद ज्यादा स्विंग करती है तो वहां पे भाई विकेट के चांस बनेंगे। मैं फिलहाल शदनाम इस्लाम को टीम से बाहर करके चल रहा हूं। ऑलराउंडर सेक्शन में कुछ गिनी चुनी ऑप्शन भाई सीधा सीधा आपकी टीम आएंगे, कोई प्लेयर नहीं छोड़ सकते उनकी, उनमें से रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, साकिब अल हसन है, ठीक है। अक्षर के फिलहाल चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, अगर टीम अक्षर के साथ में उतरती है तो मेरे लिए इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बैटिंग बैकअप भी मिल जाएगा और इनको भाई गेंदबाजी भी प्रॉपर डाल के दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, स्पिन डालेंगे तो वो भी काम आएगी, ठीक है। तो अब ये इंडियन टीम देखना पड़ेगा, अक्षर के साथ में उतरती है या फिर भाई कुलदीप के साथ में उतरेगी या फिर एक फास्ट गेंदबाजी कम करके चलेगी, वो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से दो फास्ट बॉलर तो ये लेके जरूर चलेंगे, जिनमें ऑलमोस्ट यहाँ पे बुमराह कन्फर्म है, एक आकाशदीप या फिर भाई मोहम्मद सिराज, उनमें से किसी एक को ये बैक कर सकते हो। तो या तो कुलदीप बार हो सकते हैं, कुलदीप बार होंगे तो अक्षर आ जाएंगे और अक्षर आएंगे तो फिर कुलदीप बार, वो सेम चीज़ आपको बनती हुई दिख सकती है। अब देखो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और साकिब अल हसन, इनके बारे में मैं ज़्यादा स्टैट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, उसका रीज़न ये कि भाई ये तीनों कॉमन पिक्स आपकी टीम में आने ही चाहिए, नहीं ड्रॉप करके चलोगे। तीनों ऐसे प्लेयर हैं, बल्लेबाजी बैकअप और गेंदबाजी प्रॉपर डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स निकालेगा ऑलमोस्ट पिन गेंदबाजी में यही वो प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि तीनों मेन गेंदबाज है अपनी अपनी टीम के लिए, ठीक है। और तीनों ही आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का अच्छी विकल्प है, किसी को भी ट्राई करो, चॉइस आपकी है, लक बेस्ड चीज़ें चली जाएंगी इनमें। अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस पे मैं बात करूँ, जो जेन्युइन चीज़ है भाई वो बोल के चलूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेहदी हसन मिराज यहाँ से आपकी टीम में डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी मिलेगी, गेंदबाजी आपको प्रॉपर मिलेगी और ये भी स्पिन गेंदबाजी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। इस वजह से मेहदी हसन मिराज का रोल थोड़ा सा बढ़ेगा। 45 मैच में 1625 रन भी है और भाई 174 विकेट भी है निकाल चुके टेस्ट मैच में इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इस प्रकार से मेहदी हसन मिराज का भी रोल बढ़ने वाला है, तो ये चार ऑलराउंडर मेरी टीम में आ जाएंगे। अक्षर खेलेंगे कुलदीप की जगह तो फिर डायरेक्ट अक्षर भी आएंगे, ये ध्यान रखना जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में बुमराह कॉमन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुलदीप के साथ में फिलहाल मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ उसका रीज़न आपको पता है, स्पिन गेंदबाजी करेंगे तो भाई इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ के चल सकते। और उसके बाद में अगर कुलदीप की मैं फॉर्म की भी बात करूँ, टेस्ट मैच में 12 मैच में 53 विकेट इनके नाम है, ठीक है। बुमराह तो किस क्वालिटी के गेंदबाज आपको पता है, 37 मैच में 161 विकेट है। उसके बाद में तस्किन काफ़ी अच्छे गेंदबाज, अगर मैं फास्ट बॉलिंग के हिसाब से बात करूंगा, 14 मैच में 34 विकेट है, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट के अंदर, ठीक है। नीचे आएंगे, एक प्लेयर आपको दिखा है ताइजुल इस्लाम, सिलेक्शन केवल 16%, और जब मैं आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट डिस्कस कर रहा था उस टाइम अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक प्लेयर के बारे में बोला था कि भाई बांग्लादेश का एक प्लेयर है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करेगा और सिलेक्शन कम है, लेकिन वो एक अच्छी चॉइस हो सकता है ट्रंप में जाने के लिए, उसका नाम है ताइजुल इस्लाम। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाज है भाई साहब, 46 मैच में 195 विकेट है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। स्टार मार लो तैजुल इस्लाम के ऊपर, चले ना चले एक अलग चीज है, बट इनिशियली मैच स्टार्ट होने से पहले तो भाई हमें रिस्क उठाने पड़ेंगे। ताइजुल इस्लाम को मैं बैक करूंगा। अगर आप लोग सिराज के साथ में उतरना चाहो, चॉइस आपकी है, 28 मैच में 74 विकेट इनके नाम है। उसके बाद में नीचे बात करूं तो यहां से हाई चांस है कि नाहिद राणा, जो कि बांग्लादेश की टीम की साइड से आपको शायद खेलते हुए दिख सकते हैं, 3 मैच में केवल 11 विकेट है, बट फास्ट बॉलिंग करेंगे। नीचे कुछ खास ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आकाशदीप के बारे में आपको बता दिया, या तो मोहम्मद सिराज या फिर आकाशदीप को ये खेलता हुआ दिखेगा। मैं फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ ताइजुल इस्लाम के साथ, ठीक है। अभी मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है वो बन के क्रिएट हो चुकी है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से फिर से बता दूं, आप लोग यहाँ पे राहुल ड्रॉप करके भाई पंत के साथ में जा सकते हो, आप लोग लिटन दास के साथ में जा सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से विराट या फिर भाई यहाँ से रोहित, कोई एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप करके रिस्क उठा सकते हो, चॉइस आपकी है। यहाँ से मुशफिकर अभी भी आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ खास ऑप्शन मुझे नहीं दिख रही है।
अभी मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है दोस्तों वो बन के क्रिएट हो चुकी है, जो कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं, ठीक है। मेनली इंडियन टीम के ज्यादा प्लेयर आपको दिखेंगे। यहाँ से मैंने आपको बता दिया विराट, रोहित या फिर राहुल, तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके रिस्क उठाओ, या तो बांग्लादेश का कोई प्लेयर रख लो, डिफरेंशियल जाओ, आपके पास में पंत एक अच्छी विकल्प है, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल खेले तो भाई उनके साथ में जाओ। अब टीम क्या करेगी क्या नहीं, वो फाइनली जब प्लेइंग 11 आएगी तब चीजें थोड़ा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अभी ये मेरा 11 प्लेयर का आप लोग सिर्फ एक डेमो टीम मान के चलिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉस दोस्तों देखो टीम में चेंजेस भाई ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस टीम को फाइनल टीम समझ के पहली चीज़ तो मत चिपका देना, फाइनल टीम जो भी रहेगी चाहे सेम टीम रहे आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सेफ ऑप्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, साकिब अल हसन और यशस्वी जायसवाल के साथ में जसप्रीत बुमराह, ये 4-5 प्लेयर मेरी पहली चॉइस रहेंगे इस मैच की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। थोड़ा ज़्यादा फोकस करना अगर आप लोग इन 4 में से पिक कर पाओ, ठीक है। उनके बाद में अगर डिफरेंशियली में आप लोग जायसवाल को भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहदी हसन मिराज को ट्राई कर सकते हो, कुलदीप आपके लिए डिफरेंशियल हो सकते हैं, या से तैजुल इस्लाम के साथ में जा सकते हो। बाकी बैटिंग में रोहित विराट वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। ये फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सेफ ही ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली बंदे ट्राई करेंगे, बट जायसवाल, मेहदी हसन मिराज, कुलदीप और तैजुल ये थोड़ा सा डिफरेंट चॉइसेज हो सकती है इस मैच के कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी की। अब आपको सेफली जाना है आपको डिफरेंट जाना है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी साइड से अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करा होगा भाई। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में बताइएगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा आने वाले किसी भी मैच दोस्तों अगले मैच की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।